अस्सलामुअलैकुम, एक दोस्त ने कमेंट करके बोला, यानी उनका ये जो कोट का कठिन है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मोटे आदमी का कोट है उनको समझ में नहीं आ रहा है। बेस्ट ज़्यादा है, चेस्ट कम है और शोल्डर ज़्यादा है। तो हम ये तो 34 इंची चेस्ट का ये कोट है, मैं इस पर आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। अगर मान लीजिए कि बेस्ट ज़्यादा है और ये 34 इंची चेस्ट है, तो यकीन है कि वो 35 इंची बेस्ट होगा, यानी कमर 35 इंची, पेट उसका 35 इंच होगा। तो हम इसको चेस्ट के हिसाब से नहीं कटिंग करेंगे, बेस्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो बेस्ट है 35 इंच, तो देखिए 35 इंच सीना का चौथा हिस्सा हम देंगे, 35 इंच है ना, और इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच कम करेंगे, चौथा हिस्सा 34 इंच के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो हम 1 इंच कम करेंगे बेस्ट में, यानी 34 इंच आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे 35 इंच के हिसाब से हम इसको कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी 9.5 इंच चौथा हिस्सा। और यहाँ पे क्योंकि हिप कम ही रहती है, 33 या 34 होगा, तो मैं 34 के हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ, तो 34 इंची हिप देंगे, या देखिए यहाँ पे 34 इंची ये दे दिए हिप, यहाँ पे 5 इंची देंगे, यहाँ पे 5 इंची देंगे, यहाँ पे भी 5 इंची लूजिंग दे देंगे, यहाँ पे भी 5 इंची लूजिंग देंगे, ये 5 इंची लूजिंग रहेगी। और यहाँ से हम ऐसे स्केल से मार्क लगाएंगे, यहाँ पे हल्का सेज रहेगी और यहाँ पे ऐसे मार्क लगा लिए, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे ऐसे ऐसे मार्क लगा लेंगे, यहाँ से ऐसे, फिर उस पर यहाँ से ऐसे मार्क लगा लेंगे। ये बीच का पल्ला हुआ, इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा अगर ढीला हो रहा है तो इसमें कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको कटिंग करना, 1 इंच यहाँ पे मार्जिन रख के कटिंग करना है, 1 इंच मार्जिन रख के कटिंग करेंगे। और इसमें क्या करेंगे कि इसमें अब ये सेप नहीं आ रहा है ना, मान लीजिए तो ये तो हमारा तो पूरा तैयारी हो गया था, अब इसको हम सेप कैसे देंगे यहाँ पर, देखिए ये हम इसको अभी ये मेरा पूरा फिक्स हो गया, हम इसको अब यहाँ से ऐसे सेप दे देंगे, यहाँ पकड़ेंगे और यहाँ से सेप दे देंगे, यहाँ से ऐसे सेप दे देंगे, ताकि ये जो सामने का जो सेप है ना अच्छा रहे, और बाकी जो लूजिंग है ना इसके अंदर चला जाए। तो यहाँ पे ढीला रहेगा तो कोई टेंशन नहीं रहता, लेकिन सामने सेप दिखेगा, तो हम यहाँ से सेप दे देंगे। हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा मेन ये है, चेस्ट के हिसाब से रहेगा बाकी ये सब। और फिर उसका बैक को भी हम इसी तरह कटिंग करेंगे, और ये देखिए इसमें 17 इंची इसका शोल्डर है, तो शोल्डर है, कभी भी अगर आप शर्ट पहनते हैं, शर्ट पे नापते हैं, शोल्डर 17 इंच है, तो कम से कम 1 इंच या आधा इंच कम ही रखिए, यानी 16.5 या 16 रखिए। और यहाँ पे देखिए चेस्ट का 35 के हिसाब से कटिंग की, उसका चौथा हिस्सा नापेंगे, तो देखिए ये है 7.5 इंच है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, 1.25 इंच कम कीजिए, चेस्ट से चौथा हिस्सा लेके 1.25 इंच कम कीजिए, और यहाँ पे 1.5 इंच कम कीजिए, 1.5 इंच 2 इंच कम कीजिए, और यहाँ पे 2.25 इंच कम कीजिए, नीचे भी 2.25 इंच कम करके यहाँ सीधा एक मार्क लगा लीजिए, हल्का सेप दे के मार्क लगा लीजिए। उसके बाद से शोल्डर जितना आ रही है, ये मान लें कि हमारा ये मार्क गया, ठीक है, शोल्डर 18 इंच है, कुछ लोग का शोल्डर ज़्यादा ही रहता है, तो ये हमारा शोल्डर है, तो हम इतना पे मार्क लगा देंगे। तो यहाँ से ऐसे कटिंग हो जाएगी, यहाँ से ऐसे सीधा शोल्डर हो जाएगी, देखिए ऐसे कटिंग हो जाएगी, शोल्डर हो जाएगी, बस आपको समझ में आ गई होगी।
अगर ना भी समझ में आए तो फिर हमको बोलिए। लेकिन इस मैंने दो तीन वीडियो, हाँ चार वीडियो बना रखा हूँ कोट पे, एक मोटे साइज पे भी, वो भी देख, वो वीडियो भी देखेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है, उसका टाइटल हैवी साइज का कोट पे पेटिंग, वो देखिएगा तो वो भी समझ में आ जाएगी, वो भी हैवी साइज का है, मोटा आदमी का है, उस वो भी समझ में आ जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, कोई भी सवाल है कमेंट करके बताएं।